अभय पाटिले और बाला माने। आज का दिन का पहला संघर्ष कलमखंड वर्सेस सोनरपाड़ा टीम के बीच में पहले टॉस जीतकर यहां पर कलमखंड टीम ने फील्डिंग कर चुकी है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है सोनरपाड़ा टीम को। स्ट्राइक पर है मिस्टर जीतू, ना स्ट्राइक पर मिस्टर विलास वारगड़ी। पहली बार की बार संभालेंगे मिस्टर सागर कापड़ी। काफी तेज रफ्तार के गेंदबाज माने जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, कलमखंडे टीम के स्तंभ माने जाते हैं। एक दुआ है कलमखंडे टीम की सागर कापड़ी। सभी जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर रहती है सागर कापड़ी के टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। 15-20 कदमों का रन पर लेते समय पहली ओवर की पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर चीतू के लिए। इसी ओवर की पहली गेंद और अच्छी ऊपर और ये ड्रॉप कैच। बाल बाल बच गए, भाग्यशाली बने, करीबी मामला बन सकता था। इस समय गेंद हाथ से छूट गई, बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हैं। कल्पेश ने बहुत ही बड़ी गलती की यहां पर, एक महत्वपूर्ण विकेट थी जीतू की। ये गलती काफी भारी पड़ेगी कलमखंडे टीम को। एक छोटी सी चिंगारी जैसी यहां पर जंगलों में आग लगा देती है, वैसी एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है कलमखंडे टीम को। अगली गेंद और ये क्या बढ़िया गेंद यहां पर मिस विली को में इशारा किया, एक रन चुरा के लिए। स्कोर में बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 2 रन। चार ओवर का मुकाबला है, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा कलमखंडे टीम के सामने सोनरपाड़ा टीम को। क्या करिश्मा करते हैं दोनों बल्लेबाज जीतू और विलास वारगड़े। गेंद तो मेरे ख्याल से जहां पर डिसीजन फर्स्ट डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। गेंद अंदर आई थी टप्पा खाने के बाद, ऐसा लग रहा है कि गेंद बाहर जा रही है, गेंद अंदर आई थी। पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय ये दक्षता क्या जीतू चौहान। प्लीज जरा विलास एक मिनट निर्णय होईल बोलू नका, प्लीज काहीच बोलू नका, प्लीज काहीच बोलू नका, तुम्ही स्थानिक खेळाडू असं करू नका प्लीज। इथे बघण्यात येईल थर्ड अंपायर। अच्छी गेंद यहां पर, क्या बढ़िया गेंदबाजी की। अच्छे अंपायर माने जाते हैं बाला माने और अभय पाटोले। ओहो जी हां,
एक और अच्छी गेंद यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। एक और की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है केवल 2 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी सागर द्वारा। दूसरे के बाहर संभालेंगे मिस्टर दत्तात्रेय। जांबा डिसीजन वाइड बॉल। पहली गेंद बहुत खराब यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी दत्तात्रेय द्वारा। ओहो जी हां, जबरदस्त यहां पर शॉट है, वहां पर डिसीजन। छह रन के लिए। A1 क्वालिटी का ब्रांडेड शटका। मुर्बड़ मटला सनरपड़ा गांव, एक नवानी तेलस गांव। यहां पर प्रहार जबरदस्त प्रहार। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। यही गेंद का इंतजार कर रहे थे विलास वारगड़े, जबरदस्त प्रहार किया गेंद के सीधे यहां पर 6 रन के बाहर। नेक्स्ट बॉल दत्तात्रेय मिस्टर टू विलास। एक और अच्छी स्ट्रोक यहां पर, जब तक गेंद हाथ में जब तक फील्डर एक रन चुरा लिया, दूसरे रन का प्रयोग। अच्छी कॉलिंग रही बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल यहां पर, 2 रन की बढ़ोतरी, 2 रन का इजाफा इस समय स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। विकेट वरून धावायचं नाही फलंदाज। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे यहां पर, बेचर गया, 2 रन चुरा लिया, खराब थ्रो। एक बड़ा संघर्ष होगा दोनों टीमों के बीच में, कलाम खांडे और सोनरपाड़ा टीम के बीच में। पहले टॉस जीतकर कलाम खांडे टीम ने फील्डिंग का फैसला कर चुकी है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है सोनरपाड़ा टीम को। 4 ओवर में कितना स्कोर खड़ा कर पाती है सोनरपाड़ा टीम। स्कोर में बढ़ते, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। एक अच्छी स्ट्रोक यहां पर, मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग। दत्तात्रेय अपनी टीम के लिए महंगे साबित हो सकते हैं।
रिवाइज शॉट खेलना चाहते थे और ये आउट गॉन अंपायर डिसीजन नॉट आउट सही डिसीजन सही फैसला देते समय अंपायर नॉट आउट रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे हल्का सा कट किया दो ओवर के समाप्ति के बाद बिगर कोई नुकसान पर स्कोर हो चुका है 16 रन इसी ओवर में चले गए 14 रन पहले ओवर में आए थे केवल 2 रन इसी ओवर में चले गए 14 रन कुल मिला के स्कोर हो चुका है बिगर कोई नुकसान पर 16 रन एक भी सफलता नहीं अभी तक कलमखंड टीम को आज का दिन का पहला संघर्ष कलमखंडे वर्सेस सोनरपाड़ा टीम के बीच में चल रहा है तीसरे ओवर के बाद संभालेंगे मिस्टर दीपक पंच व्हील दौड़ू नका सामना चालू करा व्हील दौड़ू नका तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर जा रहा है मिस्टर दीपक स्ट्राइक पर मिस्टर राइट हैंड बल्लेबाज विलास वारकोरे नाश्ता ऊपर जीतू चौहान लेकिन ओहो जी हां जबरदस्त प्रहार और यहां पर डिसीजन 6 रन के लिए पहली गेंद पर टॉनिक दे चुके हैं बॉलर दीपक को क्या जबरदस्त प्रहार किया इस समय स्वेलक दिशा में यही गेंद का इंतजार कर रहे थे बॉलर के ऊपर टूट पड़े जबरदस्त प्रहार किया नेक्स्ट बॉल एक और अच्छी यहां पर जमीन के सारे से खेला शॉट एक रन चुरा लिया दूसरे रन का प्रयोग आ रही है थाम पर डिसीजन 4 रन के लिए सीमा रेखा पार 4 रन एक और अच्छी स्ट्रोक यहां पर वन बाउंस 4 रन सीमा रेखा पार खेल
खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर, दिशाहीन गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज समाचार लेते समय गेंदबाज का। दिशा भटकते हुए बॉलर दीपक की, पूरी तरह से यहां पर बॉलर के ऊपर टूट पड़े हैं बल्लेबाज विलास। जी हाँ, गेंद हवा में लहरती हुई और ये आउट, गॉन। खेलना चाहते थे इस समय गेंद हवा में लहरती यहाँ पर जबरदस्त कैच कलेक्ट किया कोई गलती नहीं की यहाँ पर पहला झटका मिल चुका है सोनर पड़ा टीम को विलास द्वारा ऊपर से खेलना चाहते थे यहाँ पर किन काफी यहाँ पर दूर गई थी कोई गलती नहीं की यहाँ पर पहला झटका मिल चुका है। कैच आउट हो चुके हैं, विलास वार गड़े वापिस लौट पड़े अपने पेविलियन में। पहला झटका और पहली सफलता मिल चुकी है दीपक द्वारा कलमखंडे टीम को। न्यू बैट्समैन राजू राठौड़, अब एक खतरनाक डेंजरस प्लेयर माने जाते हैं सोनारपाड़ा टीम के राजू राठौड़। टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन, अंतिम मुकाबले होंगे। इसी ओर के अगले गेंद जीतू चौहान के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी डेंजरस प्लेयर माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट के। जीतू चौहान छक्के चौके के बादशाह माने जाते हैं, बड़े बड़े गेंदबाज उसके सामने झुक जाते हैं। एक आक्रामक बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं जीतू चौहान। जी हाँ, यहां पर जब तक गेंद हाथ में, जब तक फील कर एक रन चुरा लिया, एक रन पे ही संतुष्ट मानना पड़ा। अखों में इशारा किया, एक रन चुरा लिया, एक रन की बढ़ोतरी, एक रन का इजाफा, स्कोर आगे जाता हुआ, स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद 31-31। थोड़े फास्ट घ्यायचे दोन्ही संघांनी सहकार्य असू द्या। ईश्वर की अखरी गेंद, जमीन के सारे से कड़ा शॉट, एक रन चुरा लिया, दूसरे का प्रयोग खिलाड़ी द्वारा मिस फील्डिंग यहां पर, दो रन का इजाफा, तीन ओवर के समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 33-33 रन। पहले ओवर में आए थे केवल दो रन आए थे, बेहतरीन गेंदबाजी की थी सागर ने, दूसरे ओवर में चले गए 14 रन, महंगे साबित हुए थे दत्ता कापड़ी, 14 रन खर्च किए थे दूसरे ओवर में दत्ता ने, किसी ओवर में चले गए 17 रन। तीन ओवर के समाप्त के बाद एक विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 33-33 रन। चौथे ओवर के बाहर संभालेंगे मिस्टर सुभाष, स्ट्राइक पर मिस्टर जीतू चौहान।
गेंद हवा में, इस समय खिलाड़ी नीचे और ये आउट, गॉन। जीतू के बारे में ऐसी घटना होना काफी दुखद घटना। आठ गेंद में केवल दो रन बनाए, कुछ करिश्मा नहीं दिखाया, इतना फॉर्म नहीं आज जीतू का। दो विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 33 रन। न्यू बैट्समैन हरीश, और गेंद गई यहां पर टर्नमेंट की दिशा में और सीमा रेखा पर चार रन। गेंद यहां पर थर्मन की दिशा में जाती समय और एक बाउंड्री चार रन। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है 41। महंगे साबित हो सकते हैं बॉलर सुभाष, सामने राइट हैंड बल्लेबाज राजू राठौड़, रिवर्स शॉट खेलने में माहिर माने जाते हैं राजू। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद हवा में लहरती हुई, खिलाड़ी नीचे और ये ड्रॉप कैच। खराब क्रिकेट कलमखंड टीम द्वारा, एक लॉलीपॉप कैच था, इस समय गेंद हवा में थी और गेंद हाथ से छूट गई, बैलेंस खराब हुआ। एक एक दो दो रन महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। ड्रॉप कैच, खराब क्रिकेट कलमखंड टीम द्वारा, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे राजू, बाल बाल बच्चे भाग्यशाली बने। एक रन चुरा लिया, अब पैड पर लगाए थे। आउट, न्यू बैट्समैन कैलाश जोशी। और फिर से एक बार, इस समय खिलाड़ी नीचे और ये आउट, गॉन। एक और झटका, चार ओवर के समाप्ति के बाद चार विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 44 और 24 बॉल्स।
और 45 रन टू विन टू बैट कलमखांडे टीम। 45 रन की जरूरत 24 गेंद में। सचिन परडे एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं सोनारपाड़ा टीम के। पहले ओवर के बाहर संभालेंगे मिस्टर जीतू चौहान। कलमखांडे टीम ने एक अच्छे टीम को बाहर किया इस टूर्नामेंट से और अच्छी स्ट्रोक यहां पर वन बाउंस फोर रन सीमा रेखा पार पहली गेंद जबरदस्त प्रहार। पहली गेंद पर पहली चार रन यहां पर खतरे की घंटी हो सकती है सोनारपाड़ा टीम के लिए। गेंद ऑफ स्टंप के दिशा में रखी थी। इसी ओर का अगली गेंद गेंद हाउ में इस समय खिलाड़ी नीचे और ये आउट गॉन फीदरिंग कैच पहला झटका। जर्सी संघ कर्णधार कर्णधार यापुढील दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना कानोरीपेक्षी गेरसे दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे। गेरसे संघाचा कर्णधार आणि कानोर संघाचा कर्णधार
नानीपिकी साइड यायचे मिडॉप के ऊपर से खेलना चाहते थे गेंद हवा में गई थी काफी दूर रही थी बेहतरीन कैच क्लिक किया राजू राठौड़ ने क्या बेहतरीन कैच लाजवाब कैच पहला झटका मिल चुका है दीपक द्वारा कलमखांडे टीम को पहली सफलता मिल चुकी है सोनरपाड़ा टीम को 45 रन का लक्ष्य पार करना है जब तक सागर कापड़ी है तब तक यहां पर हौसले बुलंद रहेंगे कलमखांडे टीम के एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर मेरे ख्याल से सोनरपाड़ा टीम के निशाने पर सागर कापड़ी हो गए लक्ष्य हो गए डेंजरस प्लेयर माने जाते कलमखांडे टीम के सागर कापड़ी ओ जी हाँ अच्छी स्ट्रोक यहां पर वन बाउंस फोर रन चार रन के लिए कोई भी मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास गेंद गेंद सीधे यहां पर सीमा रेखा पार चार रन के लिए तूफानी छक्का चार रन रन के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी आक्रामक बल्लेबाजी सागर कापड़ी द्वारा एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 12 रन जो नेक्स्ट मुकाबला होगा गेरसे वर्सेस कानोर टीम के बीच में गेरसे संघाचा कर्णधार कानोर संघाचा कर्णधार आलेला आहे गेरसे संघ शेवटचा कॉल दिला जाईल आपल्याला नाणेफेकीसाठी यायचे दूसरी ओवर के बाद संभालेंगे मिस्टर राहुल हांडे 15-20 कदमों का लंबा रनअप लंबे चौड़े बॉलर सोनरपाड़ा टीम की ओर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज माने जाते हैं 18 गेंदे 33 रन की जरूरत उल्टास डिलीवरी यहां पर जब तक गेंद हाथ में जब तक पिलकर एक रन चुरा ले दस रन का प्रयोग यहां पर और थ्रो आको मेशर का दो रन चुरा लिया स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 14 रन दोनों जाने माने अंपायर बाला माने और अभय पाटोले टेनिस क्रिकेट के अच्छा अंपायर माने जाते हैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे दोनों अंपायर ईश्वर का अग्रिगेट फिर से तैयार गेंद हवा में इस समय और ये ड्रॉप कैच गेंद हवा में थी मेरे ख्याल से ये कैच के लिए विकेट कीपर को चांस देना चाहिए था ये कैच बन सकती थी स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बाल बाल बच्चे भाग्यशाली बने अतुल ऊपर से खेलना चाहते थे इस ओवर के अगले गेंद अच्छी ड्राइव यहां पर जब तक गेंद हाथ में जब तक प्ले करिए यहां पर करीबी मामला बन सकता है यहां पर क्या बेहतरीन थ्रो अच्छी कॉलिंग रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन की बढ़ोतरी दो रन का इजाफा स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद 17 रन
जब तक सागर कापड़े तब तक यहाँ पर हौसले बुलंद रहेंगे। यहाँ पर खतरे की घंटी हो सकती है सोनारपाड़ा टीम के लिए। सागर जिसने दो चौके लगाए, और एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे, निशाना छुप गया। बल्ला तो जोर से घुमाए थे, यहां पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक जोरदार अपील की थी, यहां पर अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। नेक्स्ट मुकाबला होगा गेर से वर्सेस कानूर टीम के बीच में, कड़ा संघर्ष होगा, काटे की टक्कर होगी। नेक्स्ट मुकाबला ओ जिया, क्या बढ़िया ड्राइव यहाँ पर छह रन के लिए, ये सुल्तानी तूफानी छक्का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, सुपर टाइमिंग शॉट, सुपर मैक्सिमम छक्का, क्या करारी प्रहार इस समय। बॉलर के ऊपर हमला करते समय बल्लेबाज सागर कापड़ी, मैं पहले से बोल चुका हूँ खतरे की घंटी हो सकती है सोनारपाड़ा टीम के लिए। सागर कापड़ी स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 23। गेंद हवा में और ये आउट, गोर क्या बेहतरीन किया यहां पर, जबरदस्त किया यहां पर, दूसरा झटका सागर आज कितनी कठिन थी। सागर कापड़े के विकेट गिरने के बाद कलमखांडे टीम के आंसू बाहर निकल चुके हैं, परेशानी बढ़ सकती है। स्कोर हो चुका है दो विकेट के नुकसान के बाद 23 रन। नेक्स्ट प्लेयर न्यू बैट्समैन दत्ता कापड़ी, 12 गेंदे 22 रन की जरूरत, प्रति हर ओवर में 11 रन के प्रति अवसर से चलना होगा। प्रेशर बढ़ता हुआ कलमखांडे टीम के ऊपर सागर कापड़े के विकेट गिरने के बाद, आंसू बाहर निकलते समय कलमखांडे टीम के परेशानी बढ़ सकती है। दत्ता कापड़े भी काफी डेंजरस प्लेयर माने जाते हैं कलमखांडे टीम के। तीसरे पहली गेंद विलास किया, एक रन चुरा लिया, एक रन की बढ़ोतरी, एक रन का इजाफा स्कोर में, बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ 24। नेक्स्ट मुकाबला कानर वर्सेस गेर से टीम के बीच में होगा, काटे की टक्कर होगी, बॉक्सिंग होगी, फाइटिंग होगी दोनों टीमों के बीच में। दोनों अच्छी टीम मानी जाती है इस टूर्नामेंट की। जमीन के सारे से गला शॉट, एक रन चुरा लिया, दूसरा का प्रयोग यहां पर मिस फील्डिंग, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। दस गेंदे 19 रन की जरूरत, जी हां गेंद हवा में यहां पर, अकोमेश्वर क्या 3 रन चुरा लिया। कनर संघाने प्रथम तर नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे ते गेर से संघाला। नेक्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला होगा हो
नौ गेंदे 16 रन चाहिए। जितना प्रेशर कलामखंडे टीम के ऊपर है उतना ही प्रेशर सोनारपाड़ा टीम के ऊपर भी है। जितना प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर है उतना प्रेशर गेंदबाज के ऊपर भी है। नौ गेंदे 16 रन चाहिए। बैकफुट यहां पर और क्या बढ़िया फील्डिंग यहां पर तारीफ करनी होगी। 4 रन बचा लिया भाई, जबरदस्त फील्डिंग। स्कोर में बढ़ता स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 8 गेंदे 15 रन। सभी जिम्मेदारी अतुल और दत्ता कापे के कंधों के ऊपर आ चुकी है कलामखंडे टीम के। 8 गेंदे 15 रन चाहिए और ये गेंद हमें खिलाड़ी और ये गोल्डन बॉल आउट गॉन। क्या बढ़िया क्या जी इस समय नुव्यासन दिनेश दिनेश कापड़ी और प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस समय कलामखंडे टीम के ऊपर। अतुल के विकेट गिरने के बाद एक महत्वपूर्ण विकेट गिरी थी सागर कापड़ी की, एक अच्छा मुहारा गवाया तभी प्रेशर में आ चुकी है कलामखंडे टीम। जबरदस्त कैच कलेक्ट किया था कैलाश जोशी ने सागर कापड़ी का बेहतरीन कैच। इस टूर्नामेंट में वो कैच की गिनती होगी। कोमेश्वर का 2 रन छुड़ा लिया इस समय। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है 32। आत्माराम जी जादव अभी 6 गेंद में 13 रन की जरूरत। सचिन फर्डे चौथे ओवर के बाद संभालेंगे इस समय। 6 गेंद 13 रन की जरूरत। काफी रोमांचकारी स्थिति में ये मुकाबला जा रहा है। छह गेंद में 13 रन। और ये वाइट सही डिसीजन सही पेस देते समय अंपायर जैसे पंचे अपने पंख खोलते हैं उसे हम पर अपने हाथ खोलते समय पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 33। 6 गेंद 12 रन चाहिए। सचिन टू मिस्टर नॉट आउट रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। दिनेश 5 गेंदे 12 रन। यह ऐसी स्थिति में रिवर्स शॉट खेलना काफी मुश्किल का शॉट है। रिवर्स शॉट ऐसी स्थिति में रिवर्स शॉट खेलना काफी महंगा पड़ेगा मेरे ख्याल से। 5 गेंदे 12 रन चाहिए।
जमीन के सारे से गले शॉट इकड़ी चुरा लिया दूसरे का प्रयोग यहां पर खिलाड़ी तैनात हुआ और ये बेहतरीन ट्राई। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 35। कलामखंड संघ स्वयंसेवक तिकडे लक्ष द्या, मागे सर मागे व्हायचंय। एक और अच्छी है यहां पर मिस विली मिश्र किया, दो रन छुरा लिया, अच्छी कॉलिंग रनी बिटवीन द विकेट। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 37। तीन गेंद 8 रन की जरूरत, रोमांचकारी दौड़ में जा सकती है मैच। एक छक्का एक चौका लग जाएगा तो ये मैच काफी रोमांचकारी होगी, दिलचस्प होगी। एक गेंद इंपॉर्टेंट है इस मैच की, चौथी गेंद इंपॉर्टेंट है। और यहां पर डिसन लेक्सटम के बाहर वाइड बॉल, वाइड खराब गेंदबाजी, डिजाइन गेंदबाजी, लेक्सटम के बाहर दिशा थोड़ी भटकती हुई, बॉल सचिन फाड़ने की। तीन गेंद 7 रन। गेंद हवा में यहां पर और ये आउट, गॉन गॉन। न्यू ब्यांसमन चेतन कापड़ी दो गेंद 7 रन की जरूरत, चौथा झटका मिल चुका है दिनेश द्वारा। कलामखंडे टीम को ऊपर से खेलना चाहते थे, कोई गलती नहीं किया पर बेहतरीन कैच कलेक्ट किया, जीती 54 नहीं और दो गेंद 7 रन की जरूरत। और ये और झटका 8 गॉन, दत्ता कापड़ी गॉन। एक गेंद 7 रन, कंपल्सरी चेस। पहिला सेमीफायनलचा सामना पाहू शकता आपण, कलमखंड पक्ष सोनारपाडा संघ, एक चेंडू आणि 7 धावांची गरज। फायनल मध्ये प्रवेश करताना सोनारपाडा संघ एक मुरबाड तालुक्यातला एक नावाजलेला संघ। Yeah, I'm not gonna lie.